राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी पर। चैनल के वीडियो की शुरुआत करने से पहले तब मैं कुछ मैं नया बता दूं। हरियाणा पुलिस का जो पेपर हुआ था 31/10/2021 को 31/1/2/3 दिन मेल कांस्टेबल के पेपर हुए थे। प्रत्येक शिफ्ट में चार प्रश्न पत्र आए थे, चार प्रश्न पत्र यानी कि चार पेपर आए थे और 6 शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो 24 पेपर हैं, ध्यान दस समझियो। और प्रत्येक शिफ्ट में यानी कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन है वो मैं अपने इस वीडियो में कराऊंगा। पर यानी कि जो 31 मॉर्निंग का था एक पेपर का सोल्यूशन है मैथ रीजनिंग का, कल दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, 4 दिन 31 की सोल्यूशन, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम सारी वीडियो के अंदर ऐसे ही सोल्यूशन करेंगे। समझ गए होंगे सारे, उम्मीद करता हूँ मैं सबसे कि सारे समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन देखो एक बार, तेरे सामने है पूरा पूरा 350 रुपया प्रश्न है, तो आप सभी 350 रुपये जीत सकते हैं बहुत आसानी से। ये तारे खत्म गूगल पे कर दिए जाऊंगे। एक बार देखो कि 64 की पावर 12 है, कहाँ गया 64 की पावर 12 बाई में 4 की पावर, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो 4 की पावर लिख रखी है बच्चे कितनी, 15। तो 64 की पावर पूछ रहा है कि आगे कितनी होगी। अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे करना है। अब इस 64 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, 64 की पावर 12 ही रहने देंगे, अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 4 के देखो, 4 ना पेन लिख सकता, 4 की पावर 3 × 5, क्योंकि 3 5 ये भी 3 × 5, 3 5 15 होता है, तो ये 4 की 3 क्यों लिखेगी, 4 की 3 क्यों बेटा, 4 की 3 होता है 64 के बराबर, ठीक है। तो ऊपर तो आएगा 64 की पावर 12 और नीचे आएगा 64 की पावर 5, क्योंकि 4 की पावर 3 कितना है देखो, ये वाला ये हो रहा इक्वल आया मैं 4 की पावर 3, तो इसने जब आप ऊपर ले जाएंगे तो इन्हें हो जाएगा 64 की पावर 12 × 64 की पावर −5, तो दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर जो है ऐड हो जाती है, लेकिन यह माइनस की है, तो यह आएगा 64 की पावर 7 के बराबर। तो जो इसका उत्तर है पड़ गया यो भाई। अगर किसी को बहम है कि सर ये तो पेपर में आए को नहीं, बहम नहीं हो जाएगा पेपर बढ़ता है कि सर ये तो पेपर में को नहीं आए, आप तो मजाक करो, झूठ बोलो, फलाना करो, तिकड़ करो, तो बेटा पहली बात तो यह है कि मन ने झूठ नहीं बोलनी, क्योंकि आप सबके सामने पेपर है। अगर नहीं आपको लग रहा है कि सर पेपर में नहीं आए हैं, तो इसका भी मैं सबूत दे दूंगा, तुमने पेपर की PDF मिल जाएगी बेटा, जिसकी या पेपर में आए हैं, जिस पेपर में, बाकी जो पेपर दे के आया है उसने तो पता है। उसको तो पता है, हमारी थोड़ा गलत हो गया था। तो 64 की पावर 7 इसका उत्तर आया दोस्तों, 64 की पावर 7 इसका उत्तर राइट आंसर आया है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। मैथ रीजनिंग मिक्स है भाई, पहले घूमू। अब देखो रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया, 44 बच्चों की एक कक्षा में अमन 11वें स्थान पर है और अंतिम से इसका क्या रैंक होगा। देखो यहाँ बनाते हैं ऐसे, 44 बच्चों की कक्षा है, मतलब यहां से अपन लगावा, यह अगले वाला सिरा है, यह आगे से लगा लिया अपन, अभी आगे से सर आगे, अरे पीछे कहीं से, मान लो आपकी मर्जी है, तो अब मेरा क्या करेंगे जी, 44 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं दोस्तों, टोटल 44 बच्चे हैं, अमन 11वें स्थान पर है, तो आगे से मतलब यहाँ से अमन 11वां है, कौन सा है दोस्तों 11वें नंबर पर, पीछे से इसकी रैंक क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली बात तो L+R बराबर है T+1, ये क्या है जी, लेफ्ट प्लस राइट टोटल प्लस वन होता है, लेकिन मतलब मैं सीधी सीधी बात कर दूं कि 11 बच्चे तो अमन तक समेत यहाँ तक हो गए, ये अमन है 11वें नंबर पर, अमन समेत 11 बच्चे तो यहाँ तक हो गए, क्लियर है। तो अमन से जो अलग है मतलब यहाँ 44 तक, तो 44 − 11 33 बच्चे और रह गए जो अमन से अलग हैं, एक अमन भाई 34। या आप ऐसे कह सकते हैं कि फॉर्मूले में अगर रखें L+R बराबर टोटल प्लस टोटल 44 और 1 45, तो लेफ्ट से यानी कि आगे से कह लो इस लेफ्ट की स्थान जो है वो 11 है, राइट से हमें निकालना है 45 से,
करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। आर बराबर है 45 माइनस का 11, 34 के बराबर है। कितने के बराबर दोस्तों? 34 के बराबर है। और आपका जो सामने आंसर है वो डी दे रखा है, डी 34। देखो एक बार कहता हूँ मैं दोबारा, कि 44 बच्चे हैं और अगत अमन कौन सा है दोस्तों? ये 11वां नंबर पर है। कौन सा नंबर पर है भाइयों? 11वें नंबर पर अमन दे रखे हैं। तो पीछे देखो इसके, जब आप इधर से गिनोगे पीछे से, तो आप सभी जैसे प्रेयर में बैठा कर दिया पा, तो प्रेयर में जब बैठा कर दे तो अपने सामने एक बात होया कर दी हमेशा कि अपने पीछे कितने हैं। तो जितने अपने आगे हैं 10 जने, 11 में आप 44 में 11 घटा दो, 33 बालक और पीछे हैं अमन के, और गिनना अमन को है, तो इसलिए आप एक प्लस करेंगे। ये फॉर्मूला से हो जाएगा, फॉर्मूला एल प्लस आर टी प्लस वन के बराबर है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों को समझ में आया होगा। देखो भाई ये मैथ का क्वेश्चन आ रहा, 12276 भाग में 1.55 इज इक्वल टू 7920 के बराबर है, यानी कि 155, 1.55 सॉरी। अब संख्याएं तो वही हैं, संख्याएं तो वही हैं, ये भी संख्याएं तो वही हैं। एक बार भाई कुछ दब गया था सॉरी, अब अभी अनजान है, नए नए वीडियो बनाने लगे हैं लैपटॉप पे, पहले बोर्ड पर पढ़ा रखे हमने दो वीडियोज। अब देखो यदि मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ऐसे ही दाग लिखे दे बार देख मरो दम, इतना तो एडजस्ट करना करना पड़ेगा। 12276 बटे 1.55 बराबर 7920। तो ये मेरा क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, 12276 बटे 1.55, संख्याएं वही हैं सारी, जो ये इनकी वैल्यू अपन निकालनी है तो सारी चीज वही हैं। अब ये जो पॉइंट के बाद दो है तो इसको अपन अंडर इसका नाम को ऊपर, इस पॉइंट को हम खत्म कर देंगे यहाँ से, इस पॉइंट ना अपा खत्म कर देंगे। तो अब अपन इसको काटेंगे ना यहाँ से, तो ये होगा 7920 अगले ना गई है, क्लियर है? तो ये देखो ध्यान दें, 1222.76 15.5 ध्यान दस में जियो। अब इसी पॉइंट दो के बाद दो अक्षर हैं, ये 15.5 इसका नाम के तो एक जीरो ऊपर, देखो इस पॉइंट का नाम की, नीचे वाला पॉइंट का नाम की, और जो पॉइंट छहत्तर है इसका नाम की दो जीरो नीचे। अब इस तरह एक काट दो, अब ये पूरा ये बच गया 1276 बटे 1.55। अगर आप बात करें कि इसको तो 100 गुणा करी थी जब 7920 आया था, 7920 आया था, संख्याएं तो वही थी। अब भी अगर मैं इसको 100 से गुणा नहीं करता तो ये 79.2 रहता, ये 79.2 रहता 100 से गुणा ना करता तो। अब इसकी 100 से गुणा नहीं है बल्कि ये 10 से भाग है 10 से। अब 10 से अगर भाग है ना दोस्तों, या तो इसने काट लो तो बढ़िया रहोगे, दो तो काट लो ना, रुक जाओ 155 तो कटेगा, यो नहीं कटेगा, देखो जी ऐसा है, अगर इसको 100 से गुणा कर दी तो इसका उत्तर आता है 7920। अगर 100 से गुणा ना होती तो ये 79.20 आता, अगर 100 से गुणा नहीं है लेकिन यहाँ पर 10 से भाग है तो इसका मतलब ये 79.20 नहीं, तो ये पॉइंट जो आ जाएगा तीन के बाद आ जाएगा और 7 पॉइंट बनवा इज द राइट आंसर। 7 पॉइंट बनवा क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है 7 पॉइंट बनवा, दोबारा समझाता हूँ, 12276 बटे 155 है, ठीक है 1.55, पॉइंट का नाम की डबल जीरो, अपने 100 तक गुणा कर दी, मतलब 100 तक गुणा करी 7920 है, अगर 100 से गुणा ना होती तो 79.20 होता। अब यहाँ से 100 तक गुणा तो अपन काट दी लेकिन 10 तक भाग और कर दिया उसने, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना, इसका उत्तर आ जाएगा 7.1। मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कोडिंग रिकॉर्डिंग का आ गया,
इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो मेंटल है, मेंटल मेंटल तो आप किसी ने भी जा रहा बेरा वगैरह में कर बेरा जो कर मेंटल है MENTAL मेंटल मेंटल को LND FMSOS इस तरह से लिख दिया। देखो जी M का होता 13, ये लिख दिया जी 12 और 14, ध्यान से समझना, ये 5 है, ये 4 और 6 होता है, क्या है सर ये? जो अगर अपनी ABCD होती है ना, ABCD एंड सो ऑन XYZ तक, ये 26 होती है मटे 26, तो 26 होती तो इसने क्या कर रखा है, इन्हीं कोड को, इसको लेटर कोडिंग बोलते हैं, लेटर्स को लेटर्स के अंदर कोड करना। तो ये जो M है ना पहला अक्षर है इसका, जो ये देखो ये पहला अक्षर है, इसके आगे एल और एन लिख दिया। एल और एन लिखने का मतलब होता है कि अगर ABCD याद होगी तो स्कूल में मैडम ने याद कराई होगी, एम तो पहले तो एल है और फिर एन है, तो सभी अक्षरों को ऐसे ही लिख रखा है। देख लो आप, ई से पहले क्या आता है डी, और ई के बाद क्या आता है एफ आता है। तो इसी प्रकार टेस्ट को हम क्या लिखेंगे, टी तो पहले क्या आ गया, पहले टी तो पहले आ गया जी एस आई यू एस यू, ठीक है जी। ई तो पहले क्या आ गया डी डी आर एफ ए, फिर टी है गया एस आई गया, एस से पहले आ गया आर टी ए एस आर, एस के बाद आता टी ए यूरा ए यूरा दोस्तों एस यू डी एफ आर टी एस यू, क्लियर है? इसके एक पहले वाला लिख रखा है, एक बाद वाला। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है साथियों। आगे कुछ कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये नंबर सीरीज का प्रश्न आया भाई, नंबर सीरीज इन्हें मैथ रीजनिंग अच्छी आई थी तो मैंने मैथ रीजनिंग उठाई, तो उसको रिपीट होने के बहुत चांस होते हैं, जो प्रश्न आ लिया नहीं तो उससे रिपीट होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, क्लियर है? अब देखो आगे, जो कर एक, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, 1, 5, 17, 53, 61, 161। देखो जी पहले 4 का अंतर है, फिर 12 का है जी, फिर है जी 36 का जी, फिर 108 का जी, तो पहले आप अंतर भाई, फिर असुविधा के लिए खेद है। तो देखो बच्चों, देखो 4 का 12 का 36 का, मैं तब तक माइक लगा लूं, चार 12, 36, 108, यानी कि सब ये लग जाते हैं, तो इनका क्या अंतर है जी, इनका अंतर है देखो 4 × 3, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, 36 × 3 = 108, तो 108 की 3 तक कर दो 324, 161 में 324 जोड़ दो 485 इज द राइट आंसर। डिफरेंस से होगा, डिफरेंस पहले और एक और पांच में देखो, पहली वाली जो दो संख्या है इनमें जो अंतर है बेटे वो 4 का है, फिर 12 का, फिर 36 का, फिर 108 का, तो ये एक दूसरे के 3 गुणे हैं, मतलब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 108 थी 324, 161 में 324 जोड़ दिया 485, 485 इज द राइट आंसर। सब्सक्राइब कर लो, ठोक दो सब्सक्राइब, गद्दा के ठाए दो, देख के जाओ तारा भाई जोगिंदर ने फॉलो सपोर्ट कर दो। ये भी अगला क्वेश्चन आया कि ब्रेक्स को में कितनी, शब्द ब्रेक्स में कितने अक्षरों की स्थिति उन्हें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कब है कि ध्यान से समझना, वर्णानुक्रम का मतलब होता है कि जो कर ब्रेक्स BREAKES, अच्छा सॉरी स्पेलिंग में गलत लिख गया, जुगर यहां लिख दूंगा BREAKES, यो आई नहीं है भाई, AKERS, जैसे ब्रेक्स बी दूसरा पावे 18 पे, यो 1 पे, यू फिर 11 पे, यो 5 पर, यो 19 पे, तो पहले जैसे ए आता है ए,
फिर आता है बी, फिर पांच आता है ई। ठीक है भैया, क्या समझ में? 1 2 5, फिर आया 11 यानी कि के, फिर 18, फिर 19। तो ऐसे कितने अक्षर हैं? 18 मतलब एस, सॉरी आर, फिर एस। देखो जी, ए पहले नंबर तीसरे पे दे रखा था तो ये पहले पे आ गया, ये तो चेंज हो गया। बी दूसरा, बी भी चेंज हो गया। देखो जो के है वो पहले भी चौथे नंबर पर था, ये भी चौथा पे है, और एस पहले भी लास्ट में था, ये भी लास्ट में है। तो दो अक्षर हैं के और एस, दो अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो कितने अक्षर हैं दोस्तों? दो अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? दो अक्षर हैं दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आप। इसको एक बार थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगला मैथ का प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का। ए और बी, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए ए को काम करने में बी से 60 दिन कम लगते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम करें तो कितने दिनों में कर देंगे? देखो जी, एक तो होती है भाई जो टाइम एंड वर्क है, नहीं पूरा टाइम एंड वर्क है, वो टिका है किस पे? कार्य गुणा अक्षमता बराबर है, सॉरी सॉरी, समय, समय गुणा अक्षमता बराबर कार्य के ऊपर टिका है। समय गुणा क्षमता बराबर कार्य। ठीक है जी, अब ये क्या है, जब काम सेम होता है ना, इसने कहा कि ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। एक तो होता है दोस्तों टाइम, एक होती है दोस्तों एफिशिएंसी। यो ए है, ये एक तो ए बंदे हैं दो, ए और बी। एक तो है समय, रेखा क्षमता, कार्य अक्षमता, इन दोनों की गुणा कार्य के बराबर होती है। कार्य है इनका सेम, जब कार्य सेम होता है तो समय और अक्षमता का रेशो उल्टा आ जाता है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, मतलब ए जो है अगर बी एक काम करेगा ना, बी एक काम करेगा तो ए 3 काम कर देगा, तो इनका जो रेशो आ जाएगा समय का वो 3:1:3 का आ जाएगा। यानी कि जो एक कहता है कि इसलिए ए, देखो रकम को पढ़ो ध्यान से बेटे, इसलिए ए को एक साथ काम करने में, सॉरी एक काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लगता है। यानी कि आप इन्हें कहा सर बी तो 3 दिन 3 यूनिट काम कर, 3 यूनिट समय लेवा जी, और ए लेवा जी ए इरा 2 यूनिट समय। तो अपने सर 2 यूनिट का अंतर है जी, 3 मत 1 गए 2, लेकिन वो 2 यूनिट का नहीं है, वो 60 डेज का अंतर है, 60 डेज का। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 60/2, यानी कि ए यानी कि 30 दिन का अंतर है, 30, 1 यूनिट बराबर 30 दिन। अब इसको आप 30 तक गुणा कर देंगे। देखो थोड़ा सा मैं नीचे लेकर चलता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा नीचे तो ए, तो यहाँ लिख देता हूँ, ए काम करता है 1 दिन में, तो 30 एकम 30, और बी करता है 30 से 90, बी 90 दिन में करता है, दोनों को आप जोड़ दें तो 90 LCM आ गया दोस्तों। 30 से 90, 90 एकम 90, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? क्वेश्चन यही है, देख लो, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे पूरा? अब अपन ये देखना है कि दोनों कितने दिन में कर देंगे। दोनों अपन क्या करेंगे, दोनों का कुल काम, मैंने कहा था कि समय गुणा क्षमता, अक्षमता दोनों की है 3 और 3, तो यो काम कर, सॉरी 3 तो यो काम कर देगा, एक यो कर देगा, 4 काम करने की क्षमता है, टाइम करना है, काम है 90। तो आप सीधी सीधी भाषा में 90/4, 4 काम डेली कर देंगे तो 22 सही 2/4, 22 चौक 88, 1 साथ काम करते हुए इसे कितने दिन में कर देंगे?
82 2/4 आना चाहिए था भाई, इसमें कोई मिसप्रिंट हो रहा है। 22 सही, 2/4 आएगा बच्चों, डैम श्योर हूँ मैं इस बात का, क्योंकि अपना जो स्टेटमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ना, इसमें 22 सही 2/4 लिखा मिलेगा, नहीं तो यहाँ तो अपना जो उत्तर है वो 100% श्योर है, ऑप्शन में मिसिंग है। 22 सही 2/4 दिन में करेंगे, क्योंकि कुल काम तो 90 है भाई। अरे एक बंदा एक तीन काम कर रहा है, एक एक तो 3 और 1 4। इस सवाल पे मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं दोबारा समझाता हूँ। जब समय गुणा क्षमता बराबर कार्य होता है, समय गुणा क्षमता बराबर कार्य है, लेकिन जब काम फिक्स होना बंदियां का, तो समय और कार्य की रे जो समय और क्षमता का जो रेशियो है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है भाई। क्या हो जाता है बच्चों? उल्टा हो जाता है। अभी तो 20 सेकेंड हुई है, तो ए जो है वो बी से 3 गुना काम करता है, 3 गुना काम करता है, इसका मतलब एक ये काम करेगा तो ये 3 करेगा, तो यानी कि समय का अनुपात 1 और 3 का हो जाएगा। 2 दिन का अंतर है, तो आप कहेंगे जी सर 2 यूनिट का अंतर है वो 60 दिन के बराबर है। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो रहे देखो, रीजनिंग का प्रश्न है कि क्रोध प्रकट करने से जिस प्रकार रोष होती है, क्रोध से रोष फैलता है तो नमी से क्या फैलती है, सॉरी रोष से क्रोध फैलता है तो नमी किससे फैलती है, नमी फैलती है बताओ किससे फैलती है, बताओ दोस्तों बताओ। देखो जिस प्रकार क्रोध का संबंध रोष से है, तो नमी का किससे है? देखो नमी का दुख दुख से तो मतलब ही नहीं है, कड़ा गया रहा है पेन कड़ा गया, दुख से तो मतलब ही को नहीं भाई। क्रोध का रोष से है, तो नमी का दुख से तो मतलब ही नहीं पैदा होता, जलने से भी नहीं होता, शुष्क बिल्कुल भी नहीं, अपोजिट दे रखे हैं। तो नमी का जो संबंध है वो बोछार से आएगा, बोछार से, बोछार जब होगी तो नमी नमी होगी नमी। इसी प्रकार जब रोष फैलेगा ना तो किसी बात के पीछे, तो वो क्रोध के कारण फैलेगा, क्रोध उत्पन्न होगा मतलब रोष के बाद। इसी प्रकार बौछार के बाद नमी होगी मौसम में। इसने कहा कि सभी पेंसिल पेन है, अभी हो गया कथन निष्कर्ष का प्रश्न। सभी पेन पेंसिल हैं, तो अपन कहेंगे ये डायग्राम बनाऊंगे, ये छोटा सा यहां बना देंगे। सभी पेन, इतने पेन है अपने पे, सारे के हैं पेंसिल है भाई, छोटे भाइयों के हैं सारे के सारे पेंसिल हैं। सभी पुस्तकें पेन हैं, सारी की सारी पुस्तक इसको पेन का मह रही है, इसने तो हमने इसको सारी या पुस्तक है। कुछ पुस्तकें पेन हैं, देखो भाई जब 100 की 100 चीज पेन होगी नहीं, तो 100 की 100 पुस्तक पेन होगी, तो कुछ तो पे होगी पहला, ठीक है। दूसरा गया, दूसरा मैं कहेगा कि कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, इसका क्या मतलब है? कुछ पेंसिल ये जब ये सारा एरिया पेंसिलों का है तो ये भी एरिया पेंसिलों का है, तो कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, यह बात सही है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये रहा इसका उत्तर, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। देखो भाई दिशा दूरी का प्रश्न आया, मैं 10 मीटर पूर्व में गया, फिर उत्तर में मुड़ा 15 मीटर चला, फिर पश्चिम में मुड़ा 12 मीटर चला, दक्षिण में मुड़ा 15 चला, मैं अपने घर से कितना दूर हूँ? पहली बात तो भाई साहब ऐसा है, देख मित्र तो मेरा बोला 10 मीटर पूर्व पूर्व राइट में होती है बच्चे, क्योंकि 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कितना गया 10 मीटर पूर्व में, ये बना दिया 10 मीटर। फिर उत्तर में गया, उत्तर में जाने तो पहले अब इसने साफ कर लिया ये मित्र, तो
10 मीटर 15 मीटर उत्तर में, अब एक मिनट जो यहाँ से उत्तर ऊपर है तो ये अबे गए 15 मीटर, फिर पश्चिम में कितना 12, तब जहाँ मुड़ेगा ना पश्चिम में 12, तो ये 10 से थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ तक ये 12 हो गया, फिर दक्षिण में 15, ये दक्षिण में 15 हो गया 15। देखो भाई जब ये 15 और ये भाई गया, ये 15 और ये 15 बराबर है भाई, क्या बात जाएगा ना, मिस्टर इंडिया हो जाए बराबर है, तो जो ये 10 है तो ये 10 के बराबर होगा, तो जो ये बच गया ये एरिया, देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ इसमें, तो ये 2 मीटर दूर हूँ भाई मैं घर से, मैं घर से कितना दूर हूँ 2 मीटर, 2 मीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:8 है, एक बार रकम ने पढ़ दो फटाफट सारे पढ़ो एक बार बेटा सारे, लड़के और लड़कियों का अनुपात 10:7 है, यदि लड़कियों की संख्या 20% बढ़ जाती है, कितने बढ़ाए दी 20% बढ़ जाती है और लड़कियों की संख्या 10% बढ़ जाती है, ये बात समझो, अपन को अंग्रेजी बॉयज और गर्ल 7:8 में है, तो इन अपन कह देंगे 10 तक गुणा हो रहा है, किसी स्कूल में 70 तो लड़के हैं और 80 लड़कियां हैं, इसका 20% बढ़ेगी, इसका का मतलब गुणा 20%, 20/100, तो अभी काटेंगे 20 × 100, 5 तक ऐड दें 70 ने, यानी कि 14 लड़के और बढ़ गए, तो 14 + 70 = 84 हो गए भाई, और इसका 10% का, इसका 10% है तो 8 बड़े हैं, 8 लड़कियां बढ़ेगी तो 88 होगी भाई, 88। क्लियर है, नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात काटेंगे 4 तय 21 और 4 तय काटेंगे 22, तो 21:22 इज द राइट आंसर, 21:22 क्या है ये हो रही जाएगी, 21:22 इसका सही उत्तर है। किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:8 है, दोबारा समझते हैं, 70 और 80 मान लिया अपने, 700 800 मान लेता मर्जी, कोई चक्कर नहीं है, तो अपने जो 70 का 10% 20% का डे 14 और 80 का 10% का डे 8, 70 और 14 = 84 और 80 और 8 = 88, 21:22 इज द राइट आंसर। सबको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। देखो कहा है, आई एम यंग, भाई साहब भाई साहब भाई साहब वही थी पार्टी में, अब देखो एक बार, आई एम यंग को 247 लिख दिया, मैं यहां लिख देता हूं आई एम यंग को देख दिया 247, इसने कहा कि 47 यंग, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, 47 इज यंग को लिख दिया इसने, 6 है देखो, ये क्वेश्चन खाया गया था इस तरह से, 614 614 6 1 4, आई लाइक शीतल, इसने फिर क्या गया, आई लाइक
शीतल मान सात छः। देखो अब उसने पूछा कि आई का कोड क्या होगा। देखो आई के साथ साथ दो शब्द और हैं लाइक और शीतल, क्लियर है। आई पहले भी आया है दोनों दूसरा में, तो आई देखो यहाँ भी है, तो ए पहले में भी है रहा, ए यहाँ देखो दोनों में है, फर्स्ट वाले में भी आई है रहा, तो आई का कोड यहाँ भी होगा। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखो दोस्तों आई के साथ साथ पहले में सात कॉमन है, तो यहाँ भी सात कॉमन है ये रहा, तो जो आई का कोड है वो आएगा सात। कितना आएगा दोस्तों, सात आएगा। तो आई का क्या किस प्रकार लिखा जाता है, सात लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भैयों, सात लिखा जाता है, क्लियर है। सात आएगा आई का, देखो 65 और 66 दोनों के दोनों दिए हुए हैं, एक पंक्ति में पांच लड़के बैठे हैं, एक बार देखो पंक्ति में पांच लड़के बैठे हैं, इनका नाम नूम दे रखा है, सारे काम बता दे रखा है, ए बी के दाएं हैं, मध्य में कौन बैठे हैं, पांच लड़के हैं भाई, खड़े ही था कुछ शुरू करूंगा, ऐड ए कर दिया शुरू, पांच हैं ए बी के दाएं ई बी के बाएं, देखो बी के दाएं बी ना पे उरे बैठा हुआ, तो इसके दाएं ए बैठा है, ये बैठ गया क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है, सारे आगम कर रहे हैं, अरे ये राइट हैंड है, इसके दाएं का मतलब होता है, दाएं का मतलब राइट होता है, क्लियर है। तो ई बी के बाएं है, ले ये ई बैठ गया भाई, कोई जरूरी को नहीं कि पांच ऊपर बैठाओगे। ए डी के बाएं है, एक सेकंड है, परंतु सी के दाएं, ई बी के दाएं और सी के बी के बाएं सी के दाएं है, ये रहा सी, जो ए है वो डी के बाएं है, तो ये डी रहा भाई, ये पांच लड़के हो गए, देखो एक दो तीन चार पांच, तो बीच में कौन बैठा है, ये बीच है, बीच में बी, तो बीच में बी बैठा है दोस्तों, बी बैठा है, बी बी इज द राइट आंसर। 65 में का उत्तर बी है, ये डायग्राम आपके सामने है, सी ई बी ए डी बनेगा, हरियाणा पुलिस का प्रश्न था। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, यूएनडी प्रश्न है थोड़ा सा, इसको मैं साफ करूंगा भाई क्योंकि यहाँ से जगह कम पड़ेगी, मैंने समझाना खतर, बी है इसका उत्तर 65 नंबर का। पढ़िए स्टेटमेंट एक बार सारे, ये तो पूरी डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग करी तुमने, तो क्लास ले लिया करो अपनी। छह दोस्त, छह व्यक्ति ए बी सी डी है, सी एफ की बहन है, वी ई कहती है, देखो जी जो कड़ा गया यहां से बना पड़ा था, सी बहन है लड़की किसकी, एफ की, तो एफ लड़की है यो, माइनस का फीमेल पर आओगा, बी ई के पति का भाई है, डी ए का पिता एफ का दादा है, ई के पति का भाई, एफ का दादा, एफ का कोई पिता है, उसका कोई पिता है, डी ए का पिता, तो ए इसका पिता, एफ का दादा है, बी ई के पति का भाई है, पहली बात तो ई का कोई पति हो गया ए, ठीक है, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, और बी इसका छोरा है, इसका भाई मतलब, तो पूछा कि समूह में दो पिता हैं, पिता तो एक तो ये रहा ए, और एक ये रहा डी, ये पिता है दादा हो गया,
तीन भाई हैं, भाई कौन है, एक योरा, तीन भाई हो गए, एक माँ है, माता यारी, ए यारी ई, एफ ई से, ई से, तो ई से एफ है जो पुत्र है भाई, पुत्र दे रखे हैं ये दोस्तों, एफ ई से क्या कौन सा संबंध है, पुत्र का संबंध है एफ का ई से, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगर क्या क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन तो कोई कमी नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, साथियों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15C3 + 15C13, परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है 15C3। जैसे कि आपको बता दूं मैं, जो एनसीआर होता है, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन का फैक्टोरियल बटे आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है क्वेश्चन। अब देखो हम हमारे पास जो है वो एनसीआर, यानी कि हमारे पास ऐसे दिया हुआ है 15C3, तो अब इसको लिख देंगे 15 का फैक्टोरियल बटे में 15 - 3 12 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल। अब 15 का फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करेंगे, 15 × 14 × 13 गुणा 12 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जैसे आपका दो, 3 का फैक्टोरियल दे दिया, 3 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1, मतलब जब तक गुणा करनी जब तक 1 नहीं आ जाता, तो फैक्टोरियल 12 का है, फिर 3 × 2 × 1। अब देखो ये 12 का फैक्टोरियल से 12 का फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 11वीं क्लास का क्वेश्चन है भाई, 11th क्लास का है, 10वीं तक जिसने मैथ पढ़ा उसको मेरे हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूँ। देख लो 3 से अब काटेंगे इसने, इस 3 से, 3 से किसने काटेंगे, 3 × 5 = 15, 2 से काट लो, 2 से काटा अपन 7 पे, तो 13 × 7 = 91, 5 = 455, 455, क्लियर है। प्लस में 15C13, देखो ये रहा दूसरी वैल्यू भी है 15C13, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, 15 का फैक्टोरियल C13, तो 13 में 15 से 13 गए 2 का फैक्टोरियल गुणा में फैक्टोरियल भाइयों गुणा 13 का फैक्टोरियल, तो इस 15 ने अपन लिख सकते हैं 15 × 14 × 13 का फैक्टोरियल, अगर है 2 का फैक्टोरियल गुणा में 13 का, तो ये 13 का फैक्टोरियल था, 13 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से ही योग कैंसिल आउट, तो 15 × 7 = 105। अब इन दोनों के बीच में देखो ये यहाँ प्लस का निशान है, तो ये 455 और 105, ये जो दोनों का प्लस का निशान है 560 है। अब इनमें से हमें देखना है कि 560 जो हो किसकी वैल्यू आती है। अब आपको जो ये वैल्यू देखनी पड़ेगी, हमें जो वैल्यू देखनी पड़ेगी, आप एक एक ऑप्शन उठा के देखेंगे दोस्तों, 15C 10, 15C 15, अब एक ऑप्शन उठाऊंगे मैं, थोड़ा सा यहाँ से करवा देता हूँ, 15 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल गुणा 5 का फैक्टोरियल, 15 14 13 12 11 × 10, बाई में 10 × 5 × 4 × 3, तो ऐसे करके आप देख लेना कैलकुलेशन, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा 3 पे, 4 से ही क्या कटेगा, 4 से कटेगा 12 12, 3 पे, 4 3 से 3 कट जाएगा 14 × 13 × 3, तो ये नहीं आएगा दोस्तों। आपका जो उत्तर होगा, आपका जो आंसर होगा वो फैक्टोरियल 15C, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 15 का फैक्टोरियल, बी ऑप्शन को चेक करेंगे, 15 में से 15 गई 0, तो ये भी नहीं होगा, 16 का फैक्टोरियल, 16 में से 3 गए 13 का फैक्टोरियल,
तीन का फैक्टोरियल देखो भाई, 16 × 15 × 14 × 13 बटे 13, 3 × 2, 13 से 13 कट गया, कट गया दोस्तों। 3 3 से 5 और 2 से 7, 5 × 7 = 35 की इससे 16 से गुणा करोगे ना तो 560 आएगा दोस्तों। कितना? 560। और आपको बताया होगा कि दोनों को जब हमने सॉल्व करा था निन को, तो ये भी 560 आया था, तो इसलिए अपना जो उत्तर रहेगा वो सी आ जाएगा दोस्तों। कितना उत्तर आएगा? सी। मैं बेसिक से जरूर करवाता हूँ, लेकिन जो अपने मेथड होता है वो बहुत ही अच्छा मेथड होता है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूरा 70 रुपया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है इस पेपर का, मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट तो नहीं है। देखो, लुप्त संख्या यानी कि क्विज टेबल का क्वेश्चन आया है, 9 19 करके है कुछ क्वेश्चन। देखो यहाँ से इसी को समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं 9 के बाद 19 है, ऐसे यहाँ बनाना पड़ेगा एक बार। ड्राइंग तो हमने बेरा कि मैं एक नंबर का पेंटर हूँ, इस बात को तो हमने पता होगा। देखो ऐसे करके है, यहाँ से 9 है या 19 है, तो जो 9 और 19 का संबंध है उसको लिख सकते हैं 9 × 2 + 1। 9 × 2 = 18 और 1 = 19, ठीक है। 19 × 2 - 2, 19 × 2 = 38 - 2 = 36, 36 × 2 + 3 75, 75 × 2 - 4। अब आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि पहले में प्लस हुआ है। देखो यहाँ पर ये देखो, ये पहले प्लस हुआ है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आगे जो है गुणा तो 2 ही सही होगी, 146 × 2 + 5, 146 × 2 = 92 और 5 = 297, और ऑप्शन नंबर जो है वो है बी, 297 इज द राइट आंसर। 297 क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। वीडियो ने लाइक शेयर ठोक दे रहा करो। देखो जिस क्वेश्चन देखे ध्यान से पढ़ना है कि 3 या 5 से ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य हैं, या 3 या 5 से कटती हैं, चाहे 3 तक कट दिया चाहे 5 तक, ठीक है। और जिनके बाद विषम संख्या और उसके बाद एक सम संख्या और उसके बाद एक सम संख्या है। देखो जी, 3 से कटती है यहाँ पर क्या क्या? 12 कटती है, इनके बाद एक विषम संख्या होनी चाहिए और उसके बाद एक सम होनी चाहिए। कौन ही भाई? 21 कटती है, 21 के बाद विषम संख्या होनी चाहिए, फिर सम होनी चाहिए, नहीं कटती। 3 कटता है, 3 के बाद विषम है, उसके बाद सम है, ठीक है। एक तो कंडीशन ये मिलेगी। 25 कटता है, 25 के बाद सम होनी चाहिए, नहीं है जी। देखो यहाँ 3 भी जो कंडीशन आती है, 3 3 से कटता है लेकिन उसके बाद विषम संख्या, देखो लिख रखी, जिसके बाद एक विषम, उसके बाद एक सम संख्या और उसके बाद एक सम, दो मतलब दो सम होने चाहिए, तो 3 भी नहीं आएगा। 35 कटता है, 35 के बाद विषम नहीं है, 22 नहीं कटता, 21 के बाद एक विषम है, फिर विषम नहीं है, 47 कटता नहीं, 48 कटता है, 48 के बाद विषम, फिर सम और फिर सम, तो 48 एक संख्या होगी, ठीक है। अब 52 कटता है, 52 5 और 2 7 नहीं कटता, 54 कटता है दोस्तों, 54 के बाद तो है नहीं, तो 48 एकमात्र एक ऐसी संख्या है जिस यह कंडीशन को सेटिस्फेक्शन देती है, तो एक उत्तर आ जाएगा इसका। कितनी संख्याएं हैं दोस्तों? एक, ठीक है। समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को। ये देखो 90% आ गया है। अगर आप आज 1 रुपये बचाते हैं, कल 2 रुपये, फिर 4 रुपये, इसी तरह 2 सप्ताह तक आप कितने रुपए बचा लेंगे भाई? बात समझिए ध्यान से। अगर आज आपा 1 रुपये बचावा हाँ, कल न 2,
अगला दिन चार, ठीक है, फिर आठ, फिर 16, फिर 32, इस तरह से, या तो सारे के गुणा कर करके जोड़ लियो। नहीं, एक काम कर लियो, देखो पहले 3 दिन का जोड़ांगे, 1 2 3, 3 दिन का उत्तर आ गया, जोड़ा गया 7। क्लियर है? यानी कि मैं कहूँगा जी 3 गुणा 2 प्लस 1। क्लियर है? यानी कि n इंटू n प्लस 1, नहीं ऐसे नहीं, तो 7 जोड़ आ गया। अगर चौथा दिन का कहूँगा मैं तो 4 गुणा, ऐसे मत करो, n इंटू n माइनस 1 करो। जैसे 3 दिन का जोड़ है 3 माइनस का 1, 3 में 1 या 2 3 2 6 रुपये होना चाहिए था, ये 7 है तो ये तो 7 रुपये है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई है। देखो अगर आप, तो 1 सेकंड रुको बस, अगर आप आज 1 रुपया बचाते हैं, कल 2 रुपये बचाते हैं, अगले दिन 4, तो अपन कहेंगे जी पहले दिन अपने 1 रुपया बचाया, तरक दो बचाओगे, तरक फिर 4 बचाओगे। इसी प्रकार आप डबल करते रहते हैं, तो 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन के बाद आप आके करेंगे। देखो जानते हैं अपन, मेरा पूरा क्वेश्चन बन गया ना, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर 3 दिन का काम करेंगे। 3 दिन, पहले दिन अपन 1 रुपया बचा लिया, फिर 2 बचा लिए, और फिर 4, तो टोटल अपना 7 रुपये बच गए। अपन टोटल मार लिए 7 रुपये, तो अब मेरा क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर n माइनस का 1, यानी कि 2 की पावर 3, क्योंकि 3 दिन और माइनस का 1। 2 की पावर 3 8 होता, 8 में 1 गया 7, यानी कि आप 7 रुपये बचा चुके हैं। इसी प्रकार देख लो, अगर आप 4 दिन बचाते तो चौथा दिन अपना 8 रुपये होते, और 7 में 8 जोड़ के देख लो, 7 में 8 जोड़े अपना सीधी बात है जी 15 रुपये से होते। तो जो आप देखा कि 2 की पावर 4 माइनस 1, तो इसी प्रकार अपना बताने 2 की पावर 14 माइनस का 1, 2 की पावर 14 माइनस का 1। इवे अपन है नहीं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते, शर्म नहीं कर सकते इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो। इतनी बड़ी कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर सकते, तो अपन ने मेरा क्या करना है, 2 की पावर जो 14 है, ये 2 की पावर 14, इसने लिख लिया 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 7, तो इसने तो हमने करियो 2 की पावर 7, यानी कि 2 की पावर 6 तो 64 वो है, 128 गुणा 128, और इसकी गुणा करके -1 उत्तर आ जाएगा, इनकी गुणा करके -1 उत्तर आ जाएगा। अगर तरफ गुणा नहीं होती तो 128 गुणा 128 इन्होंने लिखा करा 100 प्लस 28, गुणा कर देना, मतलब सीधी बात है उत्तर आ जाएगा, गुणा करने से उत्तर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो एक तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार आकार में मोड़ दिया गया, यदि तार को अर्धवृत्त में मोड़ा जाए। देखो जानते समझो, जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वो कितना है, 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर है, तो इसलिए आप कहोगे ए स्क्वेयर बराबर 81, तो ए का मान आ जाएगा 9, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। क्लियर है? तो जो इसका परिमाप रहोगा वर्ग का, जो तार का परिमाप, मतलब जो मान लो कि तार इस प्रकार का तार था, इस प्रकार का, तो इस प्रकार का जो, एक मिनट आप वही ले लेंगे, अपन कहोगे सर इस प्रकार का एक वर्ग था, ठीक है, इस प्रकार का एक वर्ग था, तो इस प्रकार के वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर आएगी, तो यह भी 9, यह भी 9 और यह भी 9, लेकिन इसका क्या करा इन्हें, एक अर्धवृत्त बना दिया, क्या बना दिया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आप इन्हें कहेंगे जी, ये तो पूरा वृत्त है, इसका आधा बना दिया, मतलब इसका आधा, इसका आधा बना दिया दोस्तों, तो आप मेरा क्या कहोगे, तो जो इसका परिमाप है तो इसके बराबर होगा, तो वर्ग का परिमाप आप कर देंगे 4 गुणा भुजा करके, 4 गुणा 9, परिमाप आ जाएगा 36, तो इसका वर्ग अर्धवृत्त का परिमाप का बराबर दर्ज देंगे इसने,
अर्धवृत्त का परिमाप के बराबर रख देंगे। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई इंटू आर प्लस में 2 आर का, क्योंकि देखो एक मिनट, एक बार थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यो जो एरिया है ना, यो ये ऊपर वाला, पाई इंटू आर इंटू 2 आर। पाई इंटू आर का मतलब होता है पाई गुणा में बुझा। देखो जी पाई कितनी है, 22 बटे आर, दोनों हम कॉमन ले लो, आर दोनों में कॉमन। पाई का मान 22/7 प्लस में 2 बराबर 36, 7 × 2 = 14, 22 और 14 36/7 = 36। क्लियर है दोस्तों? 7 × 2 = 14 और 22 = 36। तो इसने आप ले आएंगे और 7/36, 36 तो 36 कट जाएगा, आर का मान आ जाएगा दोस्तों 7। तो इसने पूछा क्या है अपना भाई, आर का मान पूछा था। सी इज द राइट आंसर, सी के है दोस्तों परम सत्य उत्तर है। वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर दे रखा है। पहले आप इसकी वर्ग की भुजा काटेंगे, फिर इसका परिमाप काटेंगे। देखो ये कट गया था 5 × 4 × 9। अर्धवृत्त का परिमाप रखा था मैंने, ये रख रखा 4 × 9 पाई इंटू आर के बराबर, पाई आर इंटू 2 + r बराबर है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर है? इसने ये 87, 86, 87 इस वीडियो के मतलब इस चैप्टर का यानी कि इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ो पढ़ो फिर मैंने बताइयो। एल एम एन ओ पी क्या हुआ, आर एस, 8 लोग हैं, कितने हैं, 4 और 4 8 लोग केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो आप मेरा क्या करेंगे, एक सर्कल बनाओगे, मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। आठ आठ जने बैठाने हैं तो बड़ा सर्कल बनाऊंगा थोड़ा। क्लियर है? अब इसने देखो क्या कहा अपना तक, इसने बोला कि एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आप जो कहेंगे सर केंद्र की ओर मुंह करे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं। एन जो देखो सबका मुंह अंदर है, तो यो वाला जो है वो लेफ्ट हैंड होगा और यो वाला जो है वो राइट हैंड होगा। समझ गए दोस्तों? एन जो है पी के बाएं तीसरा है। तो आपस ने मान लिया भी पी के बाएं, बायां मतलब होता है लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा कौन है, एन है। आर एम का पड़ोसी नहीं है, आर आर एम पड़ोसी को नहीं। तो मैं इनको एक बार थोड़ा सा साफ कर देता हूँ भाई, क्योंकि इन लेफ्ट राइट में कहते तो हम कन्फ्यूज हो जो। ठीक है दोबारा बना दें, कोई चक्कर को नहीं। यहाँ से ऐसे करके ऐसे, तो देखो यो एन जो है पी के बाएं तीसरा, पी के बाएं तीसरा। एस ओ और आर का पड़ोसी है, एम के बाएं तीसरा। एल ओ का पड़ोसी नहीं है, एन के बाएं दूसरा। एन के बाएं जो, एन के बाएं दूसरा, एन के बाएं दूसरा ओ है। देखो भाई नए नए बनाने लग गए हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दिया। देखो साथियों इस वीडियो में बस, एन के बाएं दूसरा, एल ओ का पड़ोसी नहीं है, ओ जो ओ के बाएं दूसरा है। देखो ये तीसरी लाइन पढ़ाएंगे मैं, क्योंकि फिक्स स्टेटमेंट की वेट कर रहा हूँ। ओ का पड़ोसी एन का बाएं दूसरा है, एन के बाएं दूसरा ओ है, और एल इसका पड़ोसी नहीं है। तो ओ जो है एस और आर का पड़ोसी है। देखो कोई भी बंदा, दो आदमी पड़ोसी तब उसका जब वो बीच में होगा, एस और आर और बैठे हैं। एम एस ओ और आर का पड़ोसी है और ओ और आर का, तो आर उर है भाई, यहाँ नहीं है, यहाँ आर नहीं है। तथा तो एम के बाएं दाएं तीसरा, एम के दाएं तो एम इसके बाएं तीसरा, इसके इसका जिक्र है पहला दूसरा तीसरा एम। क्लियर है? एन जो पी के दाएं तीसरा है। अब इसने क्या, ओ को स्टेटमेंट रहेगी
कुछ नहीं, यही दो बंदे बच गए। अब एल ओ का पड़ोसी नहीं है तो भाई एक जगह खाली है, लड़ा बैठ जाएगा। एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो क्यों बच गया, यह जगह बच गई तो क्यों बैठ जाएगा यहाँ। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, कौन सा आसन युक्तियों का व्यक्तियों का युगम है, एल और पी, एल और पी इकट्ठे बैठे ना। ऑप्शन देखो 86वां क्वेश्चन, ये एम और एन, एम और एन इकट्ठे बैठे नहीं, ओ और एम भी इकट्ठे नहीं बैठे, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। क्यों की स्थिति क्या है, एम के दाएं तीसरा, एम के दाएं बिल्कुल नहीं, बाएं तीसरा है भाई, आर के दाएं बिल्कुल भी नहीं है, एस के बाएं दूसरा, एस के बाएं नहीं दाएं दूसरा है, एन के तुरंत बाएं, देखो ये रहा है ना, अरे इसका तुरंत बाएं क्यों है, तो इनमें ये चौथा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एन और ओ स्थान बदल लेते हैं, एन और ओ, यदि एन और ओ स्थान बदल लेते हैं तो वही, एक सेकंड रुक जाओ, यदि एन और ओ स्थान बदल लेते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्थान कथन सत्य होगा। देखो ये तो यहाँ तो ना मान लो कि ओ है, और यहाँ ये मान लो कि एन है, बस इतना मान लो, कौन सा कथन सत्य है, ओ एल और क्यू के बीच है, ओ जो है एल और क्यू के बीच, बिल्कुल भाई पहला कथन सत्य है, ये रहा अगर चेक इन करना। तो दोस्तों ये मैथ रीजनिंग का एक पेपर का सोल्यूशन था। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने शेयर कर दियो अगर तुमने अच्छा लगे तो, अगर कोई वीडियो में कमी है तो प्लीज़ बताना, मैं तेरे सारे सुझाव के लिए वेट करूँगा। यहाँ तक वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर एक आधा क्वेश्चन और बच गया तो मैं देख लेता हूँ कि कोई क्वेश्चन बचा है कि, मेरे हिसाब से तो नहीं बचा है, बाकी मैं इसे दोबारा समझा सकूँ हूँ तुम कहोगे तो। देखो एक सेकंड रुको, आठ दोस्त हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ तक सात बैठे हैं। अपन क्या करे कि एन जो है पी के बाएं तीसरा है, देखो पी के बाएं, पी कहाँ है, पी यहाँ है, ये रहा पी के बाएं, ये रहा तीसरा एन है, एस ओ और आर का पड़ोसी है, हेलो साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी में। जैसा कि आप सभी के सामने क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करना बता दूंगा आपको कि एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे साथियों, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ेंगे और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। पहले डिटेल पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल तो दोनों ही होते हैं, गुणज तो दोनों ही होते हैं। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त्य बोला जाता है, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है साथियों। अब एच सी एफ की बात कर लेते हैं, एच सी एफ होता है हाईएस्ट, थोड़ी सी राइटिंग की एडजस्ट कर लेना, एक दो वीडियो में दिक्कत आएगी, कॉमन फैक्टर, और वीडियो शेयर कर दियो देख लियो, नहीं तो फिर तो मैं मर कोई है लूंगा जो शेयर नहीं कर, महत्तम मजाक की बात है बेटे, समाप्त वर्तक ये होता कि जैसे अपना तक दो या तीन संख्या मिल जाएगी, जो कर 12 अरे 24, 12 ना पे कुकर लिखेंगे, 2 × 2 × 3, क्लियर है, 2 × 2 × 3 अपन एक संख्या लिख दी, उसके बाद आप लिखेंगे इसकी 3 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 है 24। अब जो दोनों में कॉमन है, जैसे दो कॉमन है, फिर दो फिर कॉमन है, दोनों में 2 × 2 = 4 कॉमन हो गया, 3 फिर कॉमन है, अब बच गया ना, तो ये 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, मतलब ये क्या है इनका एचसीएफ हो गया, क्या हो गया बस दोस्तों, एचसीएफ यानी कि 12।
ठीक है। अब जो क्या बच गया, ये बच गया, देखो ये तो 12 गुणा में 2 कितना आ गया 24, ये दोनों का हो जाएगा एलसीएम। मतलब हमें क्या करना है कि हमें एक तो हाईएस्ट पावर लेनी है, दोनों के अंदर कॉमन गया है, ठीक है। अब बात है कि दोनों में कॉमन कितना है, जैसे 2 की पावर 2 है, यहाँ देखो यहाँ 2 की पावर 2 आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ 2 की पावर 2 नजर आ रहा है, तो 2 की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 3 की पावर 1 हमने को फिर कॉमन ले लिया। क्लियर है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा कि क्यों है एच सी एफ और एल सी एम। क्लियर है, आगे बढ़ जहाँ पर आगे बढ़ने के बाद अपे एक चीज़ को देखेंगे कि पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ही थी ऊपर ले जाऊँ, थोड़ा सा बस ज़्यादा चला गया थोड़ा सा, अब आप सभी को अच्छे से नज़र आ रहा होगा जी, अच्छे से नज़र आ रहा है। तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ, तब तक आप सभी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जैसे अपने तक संख्या दे दी इसने, क्या दे दिया इसने, दे दिया जी 7, देख लिया बोर्ड गणा छाना है ना, साफ कर दे सारा नची गई, 7/16, 21/32 और 49/8 का एच सी एफ करना है बेटे, एच सी एफ करना है। सारे क्वेश्चन जो है एच सी एफ बेस्ड कराऊंगा पहले, फिर एल सी एम बेस्ड कराऊंगा, फिर मिक्सड कराऊंगा, फिर एल जी वो होंगे मतलब जितनी बोलिया करापा मिसलेनियस विविध, लेकिन कराऊंगा टाइप वाइज और अच्छे से प्रीवियस ईयर कराऊंगा भाई। तो बेटे पढ़ो इसने जो है, पढ़ो और पढ़ के देखो के है यो, तो देखेंगे जैसा कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन जो है पूरे 225 रुपये का, 7/16, 21/32, 49/8 का एच सी एफ करना है। जब भी आपने किसी चीज का भी एच सी एफ करना हो तब आप अपना क्या करया कर, हाँ आप एक ही चीज करया कर, हाँ देखो ध्यान से समझो, अपने कोई बिन दे ही पाओगी, क्या दे पाओगी, कोई बिन दे ही मिलेगी अपने, बिन फ्रैक्शन बोलया कर जिसने, वो मिलती है हमें अंश बटे हर की अवस्था में, वो हमें क्या मिलती है अंश बटे हर की अवस्था में, जो अंश नहीं पे इंग्लिश में बोलया कर हम न्यूमरेटर, इंग्लिश इसने बोलया कर हम डी डिनोमिनेटर। और अच्छा बात है कि ऐसी जो कर अपने तक संख्या दे दी इसने 7/16, 21/32 और 49/8। अब कंडीशन है कि एच सी एफ निकालना है, अगर हमें एच सी एफ निकालना हो इस तरह के क्वेश्चन में, तो जो ऊपर वाले होते हैं जो कर ये ऊपर वाला है जो अंश जो होता है अंश, इस अंश का तो आप एच सी एफ कटेंगे कि कटेंगे एच सी एफ निकालेंगे हम, और जो नीचे वाला आ रहा है नहीं बेटे इसका भी कटेंगे एल सी एम। क्लियर है, आप क्या कटेंगे एल सी एम, तो मतलब देखो जो 7, 21 और 49 में कॉमन देखो, अगर मैं बात करूं तो 7, 21 और 49 इसका तो अपना एच सी एफ करना है, और जो नीचे बच गया 16, 32 और 8 इनका एलसीएम करना है। तो देखो जैसे कि बताया कि 7 से यो भी भाग हो है, यो भी हो है, यो भी हो है, तो 7 तो इनमें कॉमन है जगह, क्योंकि ना तो 21 49 भाग होता ना ही ये होता है, 16, 32 और 8। अब इनका एलसीएम को करना, हमने बोला था ना हर का, देखो हर का डिनोमिनेटर का अपन एलसीएम करना है, हम एलसीएम निकाल लेंगे साथियों। कैसे निकालेंगे, अब देखो 16, 32 और 8 या तो ऐसे निकाल लो ए ऐसे करके 8, 32 और 16 करके, जैसे आप तमने स्कूल में सिखाया गया करता, 2 × 2 = 8 16 × 32 = 2 = 16 इस तरह करके। लेकिन अगर सीधी सीधी बात करी जाओ तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इनका तीनों का एलसीएम आ जाएगा 32, तो अपना जो उत्तर होगा वो रहेगा 7/32, जो कि इसमें दे भी रखे है ऑप्शन नंबर डी, डी डी इज द राइट आंसर। और ये जो पेपर में आया है SSC MTS के Tier 1 में 5 अगस्त 2019 को प्रथम पाली यानी कि पहली शिफ्ट में आया क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, तो तुमने अच्छा लगा होगा, दोबारा समझाने की कहोगे तो देखो कोई भी जो बिन होगी ने बिन, कोई जो बिन होगी वो अंश बटे हर यानी कि नमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में दी मिलेगी। अपन जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन वो उसमें करके एच सी एफ निकालना है, अगर एच सी एफ पूछ रखा होगा तो
तो आप ऊपर वाले का तो एच सी एफ कट देंगे, देखो इनका इनका तो आप के कट देंगे एच सी एफ कट देंगे भाई मित्र। एक सेकंड पेन थोड़ा सा हो गया भाई, तो बात है कि ऊपर वाले का तो आप एच सी एफ कट देंगे, ऊपर वाले का तो एच सी एफ और नीचे वाले का एल सी एम कट देंगे, जो अगर 7 21 और 9 इंचस का एच सी एफ है 7 और नीचे का 32, तो 7/32 इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, अगर अच्छी वीडियो लगे तो नीचे जरूर कमेंट कर दियो, ना लगे तो भी कर दियो, सर कोई दिक्कत है कोई साउंड की कुछ किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन के लिए आप सभी के सामने है पूरा 350 रुपया का प्रश्न है, लेकिन 350 रुपया का प्रश्न दिखाने से पहले मैं कहूँगा इस वीडियो का जो अगर तुमने अच्छा लगा तो स्क्रीन शॉट ले इसको, तभी क्लियर है इतना भी एक बार रफ साफ कर दें साफ कर दें जना पे, क्योंकि अगला क्वेश्चन में फिर अपन दिक्कत नहीं आओगी। देखो अब देखो आप सभी के सामने है दूसरा क्वेश्चन, 24 40 और 120 का एच सी एफ बताना है, SSC MTS 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, SSC MTS 2017 का प्रश्न है आपके सामने, अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ MTS का 10 सेकंड क्वेश्चन। देखो आपने क्या निकालना है, सर हमने निकालना है एच सी एफ, मैंने बोला था हाईएस्ट जनता तो समझिए बात ने कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालना हो तो मेरा ये करेंगे 24, देखो दो मेथड सिखाऊंगा, 24 ने टुकड़े कर लो, 2 2 4 4 2 8 8 दिया 24, और टुकड़े हमेशा प्राइम करने हैं, प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, क्यों प्राइम का मतलब अभाज्य संख्याओं के टुकड़े करने हैं, जो कर अभाज्य संख्याएं कैसे 2 तय 3 तय 5 तय 7 तय 11 तय 13 तय इस तरह की संख्याओं से भाग देना है, क्योंकि ज़्यादा अच्छे रहोगे। अब देखो 24 के बाद जैसे 40 फिर है बेटे 120 120, अब 40 को कैसे निकालेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 5 40, और सर आगे देखो फिर आगे है 2 2 4 4 2 8 8 2 24 24 5 120, ठीक है पैसे भी कर सकते हैं। अब देखो तीनों में दो दो कॉमन है पहले वाले, फिर तीनों में सेकंड नंबर पर फिर दो हैं, फिर तीन नंबर पर फिर दो हैं, अब बात है कि यहाँ पर तो 3 है यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 दोनों है, इसलिए आप मेरा क्या करेंगे, आप सीधी सीधी बात नहीं कहोगे कि 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 सारे में कॉमन है जी, 8 सब में कॉमन है, आई एच सी एफ का मतलब ये वो है कि मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सब तक ज़्यादा कॉमन मतलब के है सारे में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के है बेटे 8 है, तो इसका जो उत्तर होगा 350 रुपये तो हम जीत गए हो, 8 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन ना कैड के कई जन बैठे हैं आराम तो तसल्ली दें तो गाना गाने लग रहे हैं, दिल की बात दिल ही जाने हैं, बिल्कुल दिल की बातें दिल ही जाने हैं, और मैथ की बातें तो तुम भी जानो हो। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, परीक्षा पर ध्यान देना, परीक्षा कौन सी परीक्षा में आया है, SSC MTS की 17 सितंबर 2017 की प्रीवियस ईयर कराए जाऊंगे, क्योंकि जो हरियाणा SSC है आपको क्या करती है हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछती है, तो आपकी मैथ की क्लास जो है इस चैनल पर डेली चलेगी, अगर आप इस वीडियो में देख रहे हो पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, एनडी प्रश्न है पढ़ियो एक बार, वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 460 491 553 को विभाजित करती है प्रत्येक मामले में 26 शेष बचता है, कितना शेष बचता है आप 26 शेष बचता है, क्लियर है दोस्तों।
अब बात है एक नंबर का क्वेश्चन क्यों बताया मैंने, क्योंकि इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता दोस्तों। प्रत्येक मामले में कितना शेष बचेगा, 26 बचेगा। और बड़े से बड़ी का मतलब ये है कि इसका मतलब साफ साफ एग्जामिनर ने कहना चाहे है कि भाई लड़ ले एच सी एफ कैट दी, के कैट दे एच सी एफ कैट दे। और एम टी एस का ये प्रश्न है 6 अगस्त 2019 का, लगभग सारे प्रश्न एम टी एस के यहाँ लग रहे हैं। तो जो बच्चा एस एस सी की तैयारी करता है वो भी हमसे जुड़ सकता है। मैथ तो बहुत 25 नंबर का आता है एम टी एस में भी पहले पेपर में। अब देखो ध्यान तक समझियो, अब ये संख्या लिख लेंगे 460, फिर आप लिख लेंगे 491, फिर आप लिख लेंगे ये 91 है भाई, ये पेन थोड़ा घूट मार रहा है जो 553। इनमें से 26 घटा दो, प्रत्येक स्थिति में 26 शेष बचता है, घटा दिए जी 434 बच गई, इसमें तो अभी 26 घटा दो 465 बच गई, इसमें तो अभी 26 घटा दो 527 बच गई। ये बात है कि ये तीनों आगे अलग अलग संख्याएं, अपना करना तो एस सी एफ है, तो अब वगैरह क्या करेंगे, अब इनका अंतर देखेंगे, जो इनका अंतर होगा उसका भी एच सी एफ काट देंगे, जो इनका अंतर होगा वो इनका भी एच सी एफ काट देंगे। इनका अंतर देखो यहाँ से 465 का इसका करा तो यहाँ से अंतर आया 31 और यहाँ से अंतर आया 35 और 27 62 का, और यहाँ से ये इस संख्या तारे देखी संख्या मतलब 434 तर 527 का अगर मैं अंतर करूँगा तो 93 का अंतर आ जाएगा। तो अंतर आएगा दोस्तों 31, 62 और 93। तो आपने अंतर देख लिए जी सर, देख लिए अंतर देख लिए, तो एक काम करो इनका एच सी एफ काट दो। तो हमने सब ने बेरा भी है कि 31 इनका एच सी एफ आ जाएगा, क्योंकि 31 के फैक्टर हैं, 31 एकम 31, 31 दूनी 62, 31 93। तो एच सी एफ आ जाएगा 31, ऑप्शन में दे रखा है जी डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें देखो उत्तर भी दे रखा है डी। एम टी एस का पेपर है बेटे, और एम टी एस का पेपर में 6 अगस्त ने प्रश्न आया था, तिलगढ़ दिया पेपर ने प्रश्न मेरा 460, 491, 553 तीन संख्या में, प्रत्येक वर्ग हटाने पर 26 शेष बचता है। अपन 26 माइनस कर दिया तो ये बच गया 460, 527, 462। तो अपन अंतर देखा, ये पहले का अंतर 31 फिर 62 फिर 93, इनका एच सी एफ काट दो, बड़े तो बड़ी संख्या तारी आ जाएगी, उत्तर आ जाएगा। तब ना कि मैं डाउट लग गया है तो पूछ लियो, अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ जाते हैं। देवी सदनों उम्मीद करता हूँ तरह अच्छे से समझ में आ रही होगी वीडियो। आज का चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 390, 495 और 300 को बिना किसी शेष फल छोड़े भाग करती है, मतलब 390, 495 और कितने को भाग करती है। तो आप फिर आगे काटेंगे, आप इसमें के काटेंगे इसका एच सी एफ काटेंगे, के काटेंगे दोस्तों एच सी एफ 390, 495 और 300। ध्यान तो समझियो, देखो जो कर ऑप्शन तो जो पूछा है तो दो बार रिपीट आया दोस्तों क्वेश्चन, एक तो 2016 में और एक 2013 में, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं बेटे। और हरियाणा पुलिस जो दुर्गा शक्ति वाली बेबे हैं, जो दुर्गा शक्ति की तैयारी कर रही हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके मैथ रीजनिंग आओगी 30 नंबर की और काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी तुमने, क्लियर है। तो देखो 390 5 तभी भागो हो भाई, लेकिन हाइएस्ट कॉमन फैक्टर करना है, क्या करना है, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 5 तो सारी भाग होंगी, इवरत बात है कि इनका एच सी एफ काट देंगे 390, 495। तो इन तो मैं 5 के लगा देता हूँ, 3 तक कट जाएंगे, 9 और 3 12, 5 4 9 और 9 18, 3 तक कट्टा शुरू में 3 तक कट्टे अपन है 100 आ गया, फिर आ गया 130, फिर 16, 165। अब बस देखो 3 पकड़ जगह नहीं, 3 और 1 4, 3 तब भाग देने खतर, इनका सम जो है जो कर 3 और 9 12, इनका सम 3 तब भाग होना चाहिए, तो 3 की नहीं लगेगी, इसलिए अभी 3 ने एक बार घंटे 3 ना पहले यहाँ था कल टी मरवा देंगे तो कर 3 दफा जी 3 तो गया भाई भाई जी
ये जो बात आई है वह क्या आई है, आप भाग करेंगे कि पाँच तक, ये भाग गए भाग होगा पाँच तक कट्टे 20, पाँच तक कट्टे 26, पाँच से हमने कट्टे 133। ना ही भी कोई संख्या ऐसी नहीं है जिससे कॉमन भाग हो जाए, तो ये बीच का जो एचसीएफ है वो 3 × 5 = 15, तो 15 इज द राइट आंसर। बी दे रही है, देखो ये रहा, दो बार आया है पेपर में, बस इसमें हमने क्या करना था, हाईएस्ट कॉमन ऐसी संख्या करनी थी जो बिना शेष फल छोड़े भाग करें। आगे इस तरह के क्वेश्चन भी आओगे जिसमें शेष फल छोड़ा मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, वीडियो अच्छी बन रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ठोक दे रही हो वीडियो पर, तरह भाई का हौसला बढ़ता रहेगा, तरह भाई जो इंदर इतना हौसला मिल दें तो आग ला देगा, 6% ले दूंगा, देख दे रही हो, सोची नहीं होगी, मतलब किसी ने सोची होगी, 90% आ गया अगला, देखो पढ़ो, 24 अड़ू जो कि तम हो, 36 खुबानी मतलब खूब आनी आई नहीं तरी खुबानी बे, और 60 केड़े उनमें और उन्हें ऐसी पंक्तियों में इस पर कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या मतलब अधिकता जगह पे कितने लाइना उन्होंने डिस्क्राइब कर सका। हाँ तो देखो इस तरह की कंडीशन में अपन ये निकाल लेना पड़ेगा एचसीएफ, और ये 2014 का प्रश्न है देवी सजनों, और पूरे 750 रुपये प्रश्न है। जो इस प्रश्न को बताओगे नीचे अपना कमेंट में गूगल पे नंबर छोड़ दियो, 750 रुपये दर दर पहुँच जाएंगे, लेकिन जब मैं टेस्ट लेंगा लाइव जद बताना पड़ेगा तुमने। अब देखो बात है कि 24, 36 और 60 का एचसीएफ चाहिएगा अपन, तो एचसीएफ करने का सबसे नायाब तरीका दो तबाग देंगे 12, 18, 30, फिर दो तबाग देंगे क्योंकि दो तक कटा है वो, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, दो तक कट दिया 15, 3 तक फिर कटा गए वो, 3 तक फिर भाग दे देंगे अभी, 3 × 6 = 9 और 3 × 5 = 15। अब ये तीनों की तीनों संख्या है कि न्यारी, ये बापे का हमने को नहीं आंदा भाई अग, मतलब अपन एच सी एफ करना अपने जरूरत को नहीं, अगर एच सी एफ नहीं निकलेगा ये बाग एल सी एफ निकलने की बारी आएगी, तो ये आ गया 2 × 2 × 3, यहाँ नहीं नीचे लिखना पड़ेगा 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 4 = 12 इज द राइट आंसर। अब ये रहा पहला, अरे लिख करके ए इज द राइट आंसर, जो इसने समझ नहीं आया तो न्यूनतम संख्याएं मतलब एक ही 12 लाइनें जब इन बना दी तो 12 लाइनें ड्रा करनी पड़ेंगी। इस वीडियो में जब बैठे कि मैं दिक्कत लग गए तो कमेंट जरूर कर दियो, मैं छोटी छोटी कमियों को दूर करके अभी तक यहाँ पहुँचा हूँ, अगर आप सब कुछ बताओगे तो मैं हौसला मिलेगा बेटे, और आप बहुत आगे तक जाओगे अगर तारा साथ रहा, ठीक है। तो अगर तुमने नहीं लगे कि सर मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, तारे दोस्त फ्रेंड मित्र मित्रियों के पास पहुँचा दियो, और मित्रियों के पास ज़रूर पहुँचा दियो, क्योंकि तारी मित्रियाँ तारा काम आऊंगी तब जब तुम पढ़ोगे, और उनको भी पढ़ने की आदत डाल लो। इस ने कहे कहा है, देखो एक विद्यालय में 391 लड़के हैं और 323 लड़कियां हैं, कोई यथासंभव सबसे बड़ी समान संख्याओं कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर होगी, कक्षाओं की संख्या मतलब बराबर बराबर बैंड दी। अब इसने कहा कि जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या, जितने लड़कियों की कक्षा है उतनी लड़कियों की कक्षा है, तो बहुत नाइंसाफी है रे ठाकुर, क्योंकि लड़के और लड़की अलग अलग बैंड दिए, तो इनका बेचारे टाइम पास कौन करा हुआ है, तो इन्हें खुद ने टाइम पास करना पड़ेगा। तो ये ध्यान तो समझने योग्य बात है कि 323 और 391 इनका तो हमने के करना है, 391 है भगतों एच सी एफ करना है, ये एक मिनट दे दिए कर दो। इसके टुकड़े बनाऊंगे पे, देखो ये 3 × 2 = 5 और 3 = 8 कौन कटता, 3 तो कटता नहीं, 7 × 7 = 28 कौन कटता, ये कटेगा 17 पे, 17 × 1 = 17 = 15 बच गया, 17 × 9 = 53 ठीक है, 17 × 2 = 34, 3 × 17 = 51। अब आगे बचगी दोनों अभाज्य संख्या है मतलब ये कटे को नहीं, तो इनका जो यो नंबर है यो एच सी एफ दैट इज आंसर आ रही हो, देखियो मार दिया तीर अपन इसको,
डी इज द राइट आंसर, डी। तो ये देखिए युधिष्ठिर तारा वायजेंद्र ने इतने तकड़े सवाल से कह देगा, सोची ना होगी, यह बात तो नहीं करना मैं, समझ भाई। तो बेटे आपा ने क्या कहा कि कक्षाओं की संख्या कितनी है, 17। कितनी है? 17 है। अगर वीडियो में मजा नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी, पूछ लियो कि मैं भी रहे। फिर गाना गाऊंगा कि सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे माथाड़े तेरे फरमुल्यान मारे ना। गाना नहीं गाना है, अगला क्वेश्चन आ गया है तारे स्क्रीन पर है। कंप्यूटर जी इस प्रश्न का आपको ये बताना है कि कहाँ आया हुआ है, 2013 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है। देवी सजनों 11,000 दो संख्याएं हैं, 11,284 और 7,655। जब तीन अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती है तो एक समान शेष फल छोड़ती है, तदनुसार इन तीन अंकों वाली संख्या के अंकों का योग बताना है अपने कितना है। क्लियर है? ये बात है कि आप जब इन किसी भी तीन अंकों वाली संख्या से भाग करेंगे तो या क्या करेगी, या भाग क्या करेगी, मतलब सॉरी या करेगी समान शेष छोड़ देगी। एंडी प्रश्न है भाई दाकड़। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें 11,284 में तो 7,655 घटाए दो, क्योंकि समान शेष तो बचा है। अब जो आप घटावेंगे तो 14 में तो 5 गए 9 और 7 में तो 5 गई 2, तो आ जाएगा 3629। ये भी 3629 को भाग तो दे देंगे आप, भाग देने में तो कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अब इसको भाग जैसे दोगे तो ये भी कटेगा कैसे, बात तो यह है कि कटेगा कैसे। 3629 को काट के देखेंगे आप, तीन अब देखो हमें क्या करना है, 3629 को भाग देना होगा, और 3629 को भी भाग देने की कंडीशन लगा दी शेरा ने, नविला भाई साहब तीन अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो आप मेरा क्या करेंगे, एक तो कटेगी, देखिए एक या कटेगी 19, तो 19 एकम 19 यो कट गया, मतलब 191 भी आएगी। तो ये इसका मतलब 19 तो गुण कटा है, ये भी आए क्या ही गुण कटा है, नहीं 17 तो कहीं दुगुण घटा है। तो इसका मतलब एक तो हो गया एक हो गया 19, एक हो गया 191 और एक हो गया 3629, और नहीं कटेगी किसी पे भी। आपने कहा कि तीन अंकों की, तो तीनों की तो यह है 191, तो आप मेरा क्या करें, तो हमने जोड़ना 191, देखो जोड़ना चाहूँगा 1 + 9 + 1 तो 9 और 2 11, तारे बज गए 12। तो जो अपना आंसर है बेटी 11 आ जाएगा बेटी, और डी इज द राइट आंसर। तो देवी सजनों क्या करेंगे आप इतनी धनराशि का, बता दो। ईवीएन छोरी नहीं कहेंगी ए माँ मैं नहीं रुपये जीत गई, तारी माँ तारा पड़ोस में गया होगी, फिर तुमने होगी ए मैं तो मजाक करूँ थी माँ, 40 रुपये का होता यू मास्टर नहीं इतना झूठा है, 1 रुपया भी निंदा। बेटे लाइव क्लास शुरू करूँगा, थोड़ा सा शांति रख ले बेटे, और लाइव क्लास जरूर कर दें, फिर तुम मैं देख लियो कितने रुपये जीतोगी, मैं तो राजी हूँ तुम कितने रुपये जीतो। तो 191 देखो दोबारा समझाऊंगा, 11,284 3655। जब तीन अंकों वाली एक संख्या से विभाजित किए जाते हैं तो आप मेरा क्या करेंगे, अपने अंतर काट देंगे दोनों का, अंतर काट के अपनी एक संख्या मेरा पड़ जाएगी, सॉरी भाई अपन एक संख्या वगैरह पड़ जाएगी, एक सेकंड रहे खड़ा चल रहा है कर फिर, तो इनकी संख्याओं का पता लग जाएगा अपन, है इन संख्याओं का पता लग दें अपन, इनका अंतर काट लें 3629। तो यह सिर्फ भागो 19 है, 19 तो भागो इतने बुझ जाएगा 191, 191 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटती। तो अपन एक ऐसी संख्या चाहिए थी जो तीन अंका की हो, और जो इसने भाग कर दी हो या भाग कर है, तो 191 कहाँ पर जोड़ कर देंगे अंकों का, क्योंकि अगला ने कह रखा तीन अंकों की संख्या का अंकों का योग कर दो, अगला ने कह रखा है, किसने कह रखा है, पेपर वाला ने,
चलो देवी सचिन अगला प्रश्न में चलो, जो है 68 मीटर लंबाई और 51 मीटर चौड़ाई वाले एक फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी टाइल लगवानी है। इस प्रश्न का उत्तर मेरा दोस्त मेरा मित्र मेरा बंधु मोनू शर्मा पक्का दे देगा, क्यों? क्योंकि उसने फिलहाल टाइल लगवाई है, तो जिसने भी टाइल लगवाई है वो इसका उत्तर दे इसका है। क्योंकि देखो तमन्यू मान लो कि तमने घर के तरह रिश्ता करने लगे और उन्होंने बनवा दिया तरह खतरे गए यू कमरा। देखिए इस कमरे में करके लोग ऐसा फर्श लगा दिया तो हमने बोले तारा पिट्टा कमरा है वो, और इसमें लगेंगे टैल, और इसमें टैल लगेंगी तो ये टैल लगी है। देखो अपन टैल का डिजाइन भी बना दिया, एक आधे टैल मांगे जो है कि मिस्त्री दारू पी रहा था। अब बात यह है कि तुमने जो है टैल लगाई, देखो बेटिया पहली बात तो हमने टैल लगा एरिया वेरा होना चाहिए, कमरा का तो वेरा बता दिया करके नो ले टैल तो लिया तो 68x51 मीटर अलग ले लीजिए, तो तुमने टैल का तो बता दो। टैल का ऊपर करना है इनका इस कमरा का है नहीं, एक टैल का ऊपर लगेगी जब इस कमरे की टैल है नहीं उसका आप सिर्फ काट देंगे, एक टैल का वेरा बट दें इस कमरे का एरिया काट के टैल का एरिया काट के दोनों ने बात कर देंगे और उत्तर आ जाएगा कि है जी है उत्तर। पर तुमने यही करना है, बात सुनो 51 ना लिखा करा 3x17 और 68 ना के लिखा करा 4x17, तो इसका मतलब साफ साफ नहीं होगा एग्जामिनर 17 आएगा जी अच्छी है। मतलब जो या केवल लिया करा था मैंने एक सेकंड, यह जो टाइल है ना टाइल टाइल की मतलब साइड है लिया क्या है कि साइड भाई लिखाई थोड़ी सी खराब है रही है, सुविधा के लिए खेद है। टाइल की साइड है कि 17, ये जो कमरे का टाइलों की संख्या पूछा नहीं अपना पै टाइलों की, देखो कुछ इतनी लिखाई और नहीं टाइलों की संख्या वह आग्रह है कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। हरियाणा जी के क्लास शुरू करूंगा भाई जल्दी चैनल पे बता दी है बात आज की बनी है, आज अपनी वीडियो तो आकर बनेगी नहीं तो हम थोड़ा सपोर्ट कर दियो बचता रहा भाई जोविंदर आता है बनी। तो ये देखो 68x51 बटे 17x17 यो कर दी 17 तक कैटे 4 रुपए और 17 तक कैटे 3 रुपए और 4 3 की गुणा कर दी तो रह गया 12 टैल लाई जिंग अपन का लाई थी अपन लाई थी 4 8 12 16 आप थोड़े न्यू आप नए मिस्त्री हैं आप 16 दे देंगे, लेकिन इसमें तो 16 दिए हुए तो अभी 12 लाऊंगे। बी इज द राइट आंसर, क्लियर है बी इज द राइट आंसर। तो अपना तक के कहा था इसने 9:07 हो चुके हैं, अपना तक इसने एक बात कही थी न्यू गया था कि 68x51 का एक कमरा है ठीक है और उसमें तो हमने टैल लोनी है, हमने कह रहे कि इसका सिर्फ कट के एक टाइल की भुजा कर देगी और इस कमरा का एरिया कट दे 68x51। अरे यो पेपर मैंने ना सोचियो कि 2006 में आया था इस पर का एक प्रश्न आगे भी आओगा जब मडिटो आओगा बेटे और नहीं आओ तो विजय विजय सर ने बेशक तमन्यू करियो अनफ्रेंड मार दियो फ्रेंड नो खड़ा है। नीचे कमेंट दे दूँ सॉरी नीचे दे दूँगा इंस्टा और फेसबुक आई डी फॉलो कर लियो तारा भाई ने, तारा भाई नोट्स डलता रहेगा क्लियर है नी, तारा सारे का समझ में आएगी होगी बात रख खड़ा गया आगे बढ़ेंगे। ये देखो है क्या पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन बिंदे दी 3/4 9/10 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम ज्ञात समापवर्त ज्ञात करो। 3/4 देवी सजनों 9/10 15/16 इनका करना एच सी एफ, तो ऊपर वाले का तो एच सी एफ और नीचे वाले का LCM क्लियर है ये बात कह जो इनका एच सी एफ तो हमने भी रहेगा 3 3 3 तो इनका एच सी एफ रहेगा 3/LCM आएगा 4 10 16 ये देखो 4 × 16 का तो 16 होगा 10 × 16 का होगा 80 तो 3/80 इज द राइट आंसर है। 2/45 को दे दिया
गलत दे रही है, उत्तर है गलत है, गलत है। 4, 10, 16 एच सी एफ करना है, एच सी। अच्छा, सॉरी भाई, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीम देख कितनी अंग्रेजी बोल दी मैंने, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं पर्सन कट बैठा था, मैं थोड़ा सा न्यू है मल्टा बैठा रहा हूँ यहाँ से, मल्टा छोड़ रखी है मैंने मित्र ने, मल्टा छोड़ के ना मेरा के गया पर्सन है कौन बढ़िया, तारा भाई ने, तारा भाई ने पर्सन कौन बढ़िया, सॉरी बेटे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, मैंने पर्सन ही नहीं पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा था, फ्लो फ्लो में बह गया भावना हूँ, जो खत्म पेपर में अगर नहीं कहीं इनके व्युतकर्मों का एच सी एफ काटो तो इनका व्युतकर्म ने देखो 3/4 ने तो लिखे तो 4/3, इसने लिखे तो 10/9 और इसने लिखे तो 16/15, इनका काटो एच सी एफ, एच सी एफ तो जी अरे इनका काटो एल सी एम, इनका एच सी एफ आ जाएगा ऊपर आने का 4, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन करना है तो छोटा छोटी ऐसी संख्या जो सारे का भाग हो जी 4 है कि। अब बात है कि ये बीजता है, अब देखो 3, 9 × 15 का इनका आ जाएगा 90 आ जाएगा 90, तो 2×2 = 4 और 2 तो कट दिया 45, तो 2/45 और 2/45 यूरा। सर देखो सर मैंने बोला था ना सर कि यही आएगा, ये लड़की कह रही है ये ऑफलाइन वीडियो देख लग रही नहीं, हाँ बेटे तने कहा था नहीं वही आ गया, अगली बात समझो ABC ने चैनल ना सब्सक्राइब कर दे और 5-4 मित्रियाँ तो भेज दे, क्लियर है, दोबारा बताऊंगा, देखो ये जो करे बिंदे लिखी नहीं जो करे ये पड़ेगी बिन 3/4 तब उल्टा कर देंगे 4/3, 10/9 और 16/15 इनका एच सी एफ करना है, तो ऊपर आने का एच सी एफ और नीचे आने का एल सी एम, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे देवियों और सजनों, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमने एक बात बता दूँ कि वीडियो जो है वो कै मिनट की होगी है, वीडियो होगी है जी 34 मिनट की, ठीक है जी, अच्छी बात है। अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हैं तो बहुत धन्यवाद, जरा सपोर्ट कर दे उस मन थोड़ा सा। देखो तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं, उनका महत्तम समापवर्तक दे दिया 12, तो संख्या बतानी है, क्या बतानी है संख्या, तो संख्याएं बतानी है, तीन संख्याएं हैं 1, 2, 3 के अनुपात में और उनका अनुपात देने के बाद अपना तक कोई पेपर में क्वेश्चन तो नहीं छोड़ गया मैं ऊपर ना कुछ हो गया सॉरी बड़ा खा लेंगे कई बार, उनका अपना एच सी एफ बताना है, एच सी एफ तब मैं एक फार्मूला बताऊंगा, ये पहले इस क्वेश्चन में पढ़ो। देखो कोई भी संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम क्या होगा, पहली बात तो यार एलसीएम आया अगर है एच सी एफ गुणा ए गुणा बी, मतलब इनके जो गुणज बज्जे हैं बाद में वो इनके एलसीएम कहला कर, ठीक है, लेकिन इसने कहा है कि एच सी एफ के बाद संख्याएं 1, 2 और 3 का अनुपात में है, इसका मतलब आप इन तीन संख्या बनाने का 3x तक गुणा कर दिया, मतलब 1x और 2x और 3x, तो ये x का मान है 12, क्यों, क्योंकि एच सी एफ गला गुणा होकर ये संख्या बनाया करे, कैसे सर एक एग्जांपल दे दूँ, तब मैंने एग्जांपल तो फिर मैंने देना पड़ेगा, तो मान लो यहाँ देना पड़ेगा ये यहाँ जो कर एक 12 ले लिए 24 ध्यान तो समझिए होगी, लिखेंगे 12 × 1 इसी लिखेंगे 12 × 2 12 ना मैं बाहर काट दूँ तो ये बचेंगी 1:2 में कौन बचे, 1:2 में कौन बचा है, कड़ गया एक मिनट यार, हाँ तो इसी प्रकार अपने जो x का मान है क्या 12, ये संख्याएं पूछी हैं संख्या का गुणा कर देंगे फिर ये यानी 12x, तो मतलब 12 आएगी फिर 24 और 36 देर किए गए पहले ऑप्शन दे रही है पेपर वाला ने तो इशाना है 12, 24, 36 ऐसा सी सी स्नातक स्तरीय है, देखो स्नातक संयुक्त स्नातक स्तरीय समझते हो, सी जी एल, सी तो होता है बेटे कंबाइंड, जी तो होता है ग्रेजुएशन एल का लेवल, सी जी एल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल है, मतलब कि इकट्ठी पेपर वगैरह दिए रहे हरियाणा
पंचायत सेक्रेटरी का पेपर तो पहले पंचायती राज की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, यह तारा जोगिंदर का वादा है। जोगिंदर कोनी में माई सेल्फ विजय शर्मा है, आपके प्यारे से सर जी हैं, बहुत अच्छी से पढ़ाते हैं सर। मैंने तो बे रह जी, मैं तो पढ़ी हूँ जी, अब तो मैं भी पढ़िया सर। अरे आप मैंने जाना हो, मैंने बे रह जी, हाँ जानू मैं तुमने सारे ने, तो कमेंट कर दियो अच्छी से। अब आगे चलना आपकी थोड़ा अगला प्रश्न पे, दो संख्या इन का जी का प्रश्न कराओगे, का प्रश्न रह गए भाई तारे, एक दो तीन चार बस चार प्रश्न रह गए, ये तो कंप्लीट कराने पड़ेंगे। देखो भाई मित्र मन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम यह है तो योग ज्ञात करें। मनी करते के क्वेश्चन समझाया, देखो जानते एच सी एफ क्या कर रहा है, एच सी एफ इंटू ए और एच सी एफ इंटू बी संख्या हो जाए करता हमें इस बात का नहीं मेरा भी संख्या एक गल है, आप अगर गुणा कर दें तो संख्या ना पे अनुपात कर महत्तर स्कूल में 3:4 में कोई संख्या होंगी तो आप इनकी यार दे 3x और 4x, ये एक्स जो है ये इनका एच सी एफ होता है। क्या होता है एच सी एफ, पिछला क्वेश्चन में साबित करे था। तो इन गल 15 गल में गुणा कर दूँ तो 15 की गल गुणा कर दी तो 15 3 45 और 15 4 60, इन दोनों ने जोड़ दो 45 और 60 ने, देखो ये 45 और 60 ने जोड़ दें 105 इज द राइट आंसर। देखो इधर क्या चलो कर लियो, 15 ना बैर ले लो, ए प्लस बी करना अपन है क्योंकि मैंने बताया था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अपन कितना है मान दे रखे अनुपात में 3 और 4 7, तो 7 × 15 15 7 105 इज द राइट आंसर। अगर तारा ए बी समझ में नहीं आना लग रही तो मन ने बता दो जी कुकरा होगा, इस दिमाग में लग गया जर बेटे जंग लग गया, तो कोई दिक्कत को नहीं है। अगला क्वेश्चन, धनात्मक पूर्णांकों में ऐसे युग्मों की संख्या बताओ जिनका योग 99 है, महत्तम एंडी पर्सन आएगा भाई, महत्तम बता दिया भाई ए सॉरी नो। देखो जानते अभी संख्या मान लेंगे जी ए और बी, तो अभी जिनकी 9 तो एच सी एफ तो गुणा करूँ जो संख्या बनेंगी 9a और 9b, इनका जोड़ कितना है 99 है, 99 है तो मैं 9 कॉमन कैट दूँ तो बाहर कैट दूँ, ए प्लस बी बराबर 99 है तो कट जाएगा 11 से, तो ए प्लस बी का जोड़ आएगा 11, तो इसके आप वो लिखेंगे 1 जमा में 10 और 2 जमा में 9, 3 जमा 8 मतलब 4 प्लस 7 और 5 प्लस 6, तो ये ना ही हो, ये बैटरी इज लो 7%, अच्छा 7% बैटरी रहेगी, चार्ज लाना पड़ेगा 1 सेकंड है, सुविधा के लिए खेद है 1 सेकंड रुक जाओ। क्या ले दिया चार्ज, तो ये अब देखो 5 प्लस 6 एक बार प्लस 10 2 प्लस 9 3 प्लस 8, ठीक है, तो यहां से खेल खत्म होता है, 5 पेयर हैं 5 जोड़े हैं, अरे 5 इज द राइट आंसर। दोबारा समझाऊंगा, मैंने कहा था कि जब किसी संख्या के अंदर से एच सी एफ निकाल लेता तो फैक्टर बन जाते हैं, कुकर बन जाए जी, ये बताया था यार 12 और 24 का एच सी एफ कर लो 12, अरे ये 24 सॉरी ये 12 × 2, तो इनका ये जो ये बच गया देखो ये ये कर दो, ये है ए और बी, इनका योग दे दिया देखिए योग रहा योग दे दिया 99, तो 9 × 9a और 9b का जोड़ कितना है 99 है, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी का जोड़ 11, ऐसे कितने जोड़े हैं 1 और 10 2 और 9 3 और 8 4 7 5 6, ये जो अलग संख्या बच गई तो तीनों तो मैं लिख सकूँगा 6 5, तो ये जो 6 5 मैं 9 की गुणा कर दूंगा 9 6 54 सॉरी 9 6 54 9 5 45, इनका एच सी एफ तो 9a होगा, जोड़ फिर 99 है, पहले आ लिए तो ये तो पहले आएगी इसलिए कोई रिपीट नहीं होगा, इसलिए 5 ही जोड़े बनेंगे बच्चों,
कितने, सिर्फ पांच जोड़े बनेंगे और पांच से ऊपर कुछ नहीं होगा। कहते नहीं कर, बोले जो कहूंगा सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। तो आपके लिए क्वेश्चन था यो, यो बहुत बार देखा बरा है, छोड़ कहूंगी ए माँ कै बराया है, लिखिए ए माँ कै बरा लिया, 2004, 2006, 2008 में आया, 10 में आया, 11, 13, 15 में, मतलब 3, 4, 8, 3, 7 बार तो आ लिया, 7 बार एक सवाल आ लिया। अरे ये तो इनका याद है, तार पर क्यों भी याद पाओगा, एक आध प्रश्न बस प्रश्न एक मैं कह रहा एक रह गया, एक और रह गया। देखो दो संख्याओं का योगफल 384 है और एक का जोड़ दे दिया महत्तम दे दिया 48, ध्यान दे समझियो, कोई संख्याएं मान लिया, संख्याओं के गुणनफल मान लिया 48 ए और बी, तो अपने संख्या बना देंगे 48 × a + b = 384, मतलब अंतर बताना पड़ेगा। तो 48 भाग देंगे, सॉरी, तो a प्लस बी बराबर है 384/48 8, ठीक है। इब आप बेरा के कर सका, हाँ आप एक काम कर सका, a प्लस बी का मान है क्या अपने दो है कितना 8, दोबारा पढ़ लो एक बार रकम ना, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी का मान है क्या 8, पढ़ो देखो, ए और बी का मान है क्या 8, क्लियर है। तो यदि आप गैस का जी 1 + 7 = 8 हुए हैं, 3 + 5 = 8 हुए हैं, तब न कहोगे जी 2 और 6 भी हुए हैं, हाँ 2 और 6 हुए हैं, लेकिन आप पेयर में कौन काउंट कर सकते हैं दी, क्योंकि 2 कॉमन रह जाएगा, 1 + 3 रह जाएगा, ठीक है, और 1 + 3 रहेंगे, इसका मतलब ये होगा कि 2 जेड कॉमन है तो 48 गुणा हो जाएगी, तो 96 हो जाएगा सिर्फ, इसलिए आप इसे पेयर में नहीं गिन सकते। तो आप ध्यान तक समझो कि कर सकता, आप कर सकता जी 48 × 1 = 48 हो गया, और 48 × 7 = 3 इनका अंतर देखो कितना है 288, क्लियर है, कितना अंतर है 288 है। अब यहाँ से 1 7 तो हो गया 288 आ गया, अब 3 5 वाला जो आंसर है मैं थोड़ा साफ कर दूँ तो बढ़िया रहूँगा, निकल मैं साफ कर दूँ तो यहाँ से बढ़िया रहूँगा, देखो 48 की 3 गले बना, 48 × 144, 48 × 5 गले 48 × 5 = 240, इन गले गुणा करिए 96 है, लेकिन यहाँ तो 96 है ही नहीं, यहाँ तो 288 है, तो इसलिए एक ये है, 1 और 7 का जोड़ा होगा, विकल्प के हिसाब से होगा बेटे, ऑप्शन का शापता जी, ऑप्शन में 96 होंगे तो आप 96 ने प्रेफर करा, इन्होंने अगर जी दोनों होंगे तो फिर आप इसका तीर मार दो, उन्होंने बढ़िया ब्रह्मास्त्र मार दो, इसका प्रश्न पढ़ लो ना, बात खत्म। वह है सबसे बड़ी संख्या 1657 और 2037 को भाग देने पर 6 और 5 शेष रहते हैं, पर देख मजना ये अगर ये देख रहा 2001 2002 4 6 6 12 15 14, मतलब 4 तो यो 3 यो 7 8 9 9 9 बार पेपर में आवे यार, कमाल है, मतलब हद है, 1651 और 1657 और 2037 में से, तो एक काम करो 1657 मैं तो घटाई दो 6, तो 1651 बच जाएगा, 2037 में तो घटाई दो 5, 2032 बच्चेगा, इनका एच सी एफ कर दो दोनों का, इनका एच सी एफ ऊपर लिखा का भाग देवे, भाग देना है दे दो 1651 1651 कितना बचेगा 1 13 5 8 3 381 तो भाग दे 1651 में, एक
कह के लाओगे इसमें, इसमें लग गई 4 जीबी, 3 जगह 12 8 6 32, तो मतलब मान लो 81 चौका 324 1524, मुझे 127 तय भाग दें 381 में, जब तक 0 नहीं भागते बचता है तब तक करे जाओ ये प्रोग्राम, 381 कट गया पूरा, 3 गले 127 थी, तो जब 0 बचेगा तो ये आ जाएगा एच सी एफ। आप इससे भी कर सकते हैं, डिवीजन वाले से भी कर सकते हैं, 127 तो पूरा कट जाएगा, अरे 127 इज द राइट आंसर। अगर साथियों तुमने ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई कमी लगी है वह बताइए, अच्छी लगी है तो चैनल ना सब्सक्राइब और वीडियो ना लाइक शेयर कर दियो। हरियाणा के लिए आपको हमारे चैनल पर सबसे बेस्ट मेथड डाटा मिलेगा, सबसे बेस्ट मेथड मिलेगा। एक दो दिन में थोड़ी सी वीडियो की जो क्वालिटी वगैरह है ये सारा साउंड क्वालिटी का जो सिस्टम है मैं कर दूँगा। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको अच्छी शिक्षा और अच्छी आयु प्रदान करें, स्वस्थ रखें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।